आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं प्राइम टीवी खास कार्यक्रम बीकन चर्चा। दोस्तों, अभी अभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक सीधा ऐलान हुआ है कि 5 राज्यों में देश के चुनाव कराए जाएंगे। और बड़ा ऐलान यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने किया, यानी चुनावी शंखनाद हो गया है कि चुनाव कम होगा और अब जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके लिए समय जो आया है वो रणनीति के साथ काम करने की, समय बहुत कम है। और समय इसलिए भी कम है क्योंकि कहा गया है कि 14 जनवरी से लेके और 22 जनवरी तक नामांकन किए जाएंगे, तो कई में तो अभी लिस्ट ही फाइनल नहीं थी, प्रत्याशी लगातार दावेदारी कर रहे। तो यहाँ पर सीधा सीधा आदेश आ गया है कि आज 8 तारीख है और आज से मात्र 5 दिन बाद आपको नामांकन शुरू हो जाएंगे, आपको प्रत्याशी भी फाइनल करना है, उसके साथ उनका नामांकन भी शुरू होना है। तो बड़ा रणनीति का समय है और साथ ही साथ रणनीति यहाँ पर यह भी है कि इस कोरोना महामारी के समय में कैसे चुनाव को सफल आयोजन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस जो कोरोना के समय में चुनाव कराना बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, पर चुनौतीपूर्ण तो सिंपल सी है कि आज अगर चुनौतीपूर्ण रहेगा तो इसकी जो गाज गिरेगी, अगर नुकसान भी होगा तो होगा आम जनता को। तो आज हमारा मुद्दा है वो है चुनावी शंखनाद पर कोरोना में कैसे। तो इस मुद्दे पर बात करने जुड़े हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शिल्पी चौधरी। चौधरी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से देशबंधु दीक्षित। तो मामला जो आज है, जो आज हमारा मुद्दा है वो चुनावी शंखनाद। शिल्पी जी, अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है चुनाव होंगे 10 फरवरी शुरू होंगे उत्तर प्रदेश में और 7 मार्च तक चुनाव करा दिए जाएंगे 7 चरणों में। क्या मानती हैं कोरोना के समय में, घटक समय में जहां पर लोग अपनी अपनी जान को बचा रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है, सारी चीज़ों पर रोक लगी हुई है और तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं क्योंकि कोरोना इस समय चरम पर है। कल अगर बात करें तो कल भी लगभग देश में 144,000 मामले आए थे। क्या मानते हैं इस समय इस तरह की घोषणा होनी चाहिए थी और हुई है तो कैसे से निपटा जाएगा? नहीं, ठीक है, सभी को वैसे बहुत बहुत बधाई कि चुनाव की घोषणा कर दी गई है। लोकतंत्र के स्वस्थ रहने का सवाल है। 5 साल से इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश की स्थिति तो हम आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, जनता पीड़ित हो चुकी है। और अगर आप कोरोना की बात करें तो कोरोना काल में ही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दुर्व्यवस्थाएं कराई हैं सारी लोगों ने देखा है। तो बेहतर है कि चुनाव हो जाए और सरकार बदले, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ भी काम इस सरकार ने नहीं किया है। तो कब तक हम कोरोना, कोरोना तो हर साल आएगा, लगातार आ रहा है, इस बार भी आया, ये तीसरी बार आया, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है, तीसरी बार आया है। और अगर पहली बार में डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं भारत और आके यहाँ इतना ज्यादा कोरोना फैला सकते हैं तो अब ये उतना घातक वाला भी नहीं है कोरोना। तो बिल्कुल कोरोना के चलते जब वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड स्तर पर होने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो फिर क्या दिक्कत है, कराने दीजिए। लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराए होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। हमारे पार्टी में भी स्पष्ट निर्देश है कि हर एक व्यक्ति जो बूथ तक की कार्यकारिणी में है उसके दोनों वैक्सीनेशन पूरे होने चाहिए। तो होने दीजिए, अब हम कोरोना के चलते हर चीज को ठप नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था हमारी इतनी ठप हो चुकी है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी तो नहीं बचा है, तो क्या करेगा आदमी। ये सब बदलने के लिए सरकार बदलना बहुत जरूरी है। तो हम तो इस घोषणा का स्वागत करते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप जहां तक कर रहे हैं तो दिन में चुनावी रैलियां हो रही थी, लाखों की भीड़ जुटा रहे थे माननीय योगी आदित्यनाथ समेत सभी बड़े नेता, और रात में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जा रहा था। रात जबकि वैसे भी मूवमेंट नहीं रहते हैं, जब लोग वैसे भी जुटते नहीं है, जुटती तो दिन में थी भीड़, तो अगर कोरोना को लेके ये लोग गंभीर होते तो इस तरीके के ये हरकतें करते तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोरोना को लेकर हमें चुनाव स्थगित करने चाहिए। हाँ, हमें पूरी एहतियात बरतनी चाहिए और हमें वैक्सीनेशन कंप्लीट करा देने चाहिए सभी के। जवाब लेते हैं देशबंधु दीक्षित, बीजेपी से जुड़े हुए। देशबंधु जी, क्या मानते हैं
जो बड़ी घोषणा यहाँ पर की है इलेक्शन कमीशन ने, अभी आपको बता रहा हूँ कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने भी एक निवेदन किया था प्रधानमंत्री से, इलेक्शन कमीशन से, कि चुनाव इस समय ना कराया जाए, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद भी देखा गया था और पंचायत चुनाव हुए थे उसमें तमाम लोगों की जान गई थी, कई लोगों के परिवार जुड़ रहे थे। तो क्या मानते हैं कि चुनाव की घोषणा की है इलेक्शन कमीशन ने, बीजेपी किस तरह से तैयार है, और क्या मानते हैं चुनाव इस समय होना जरूरी है कोरोना के समय, क्या आपका क्या ऋषि जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूँ, आवाज दीजिए, बोलिए। नहीं, लोक जैसा कि अभी आपने गौरव जी बताया, लोकतंत्र का महापर्व का चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और रही बात, आपने इसको कोरोना के परिप्रेक्ष्य में जोड़ा, और जहां तक मैं आपके जिम्मेदार मीडिया चैनल है उसके माध्यम से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, कि कोरोना की लहर के लिए हमारी टीम, हमारी मेडिकल टीम, हमारी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के सीएमओ को और जिलाधिकारियों को सूचित कर दिया है। हम वहां अलर्ट हैं, हम मोड में हैं, हम किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा आने से पहले हमारी तैयारी पूर्ण है। और जहां तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, देखिए बच्चों की वैक्सीन बहुत तेजी से लग रही है, और हमारी पूर्णता कोशिश रहेगी कि बिना विघ्न बाधा के जीवन की रक्षा के साथ यह लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव भी जो है वो बीते, और कोई विविधता ना आए, चुनाव भी शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो। अलर्ट पिछली बार भी थे, 2021 में भी अलर्ट थे, तमाम तैयारियां थी, उसके बाद भी पंचायत चुनाव हुए थे और बड़ी संख्या में जो वहां पर उसने काम किया था पंचायत चुनाव में उनकी जाने गई थी, और इसके आंकड़े स्पष्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जिसके आंकड़े ना हो, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। क्या मानते हैं पंचायत चुनाव की क्या तैयारी, जब पंचायत चुनाव में अलर्ट नहीं कर पाए, वहां पर अलर्ट थे आप, तैयारियां थी, तमाम व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे थे, उसके बावजूद हमने देखा पंचायत चुनाव में भारी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ था, तो क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, कहाँ तक इस अलर्ट के साथ, कहाँ तक तैयारी साथ जा पाएंगे? तो भी क्या मानती है कहाँ तक, जो पंचायत चुनाव में आपने देखा तैयारी कैसी थी, उसमें भी अलर्ट था, तमाम तैयारियां थी, उसके बावजूद लोग उसमें लोगों की जान गई और इसका ठीकरा भी फोड़ा गया चुनावों को, पंचायत चुनावों को, तो क्या मानती हैं कि अभी तैयारी कैसी, जिस तरह से मामले आ रहे हैं, तो इन्हीं तैयारियों के बीच अगर हम कोरोना के समय में ये चुनाव कराएंगे तो क्या लगता है वही पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो सकती क्या? शिल्पी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मुझसे सवाल है, आवाज आ रही है? देखिए ऐसा है कि आपने अभी देखा कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि उनकी तैयारी पूरी है, और उन पर मेरे ख्याल से काउंटर क्वेश्चन तो ये उन्हीं से होना चाहिए था, क्योंकि इस समय सरकार उन्हीं की थी, तब भी थी, अभी भी है, आचार संहिता लगी है, भले ही आज से लगी है, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया होगा ना चुनाव आयोग को, और जितनी भी अव्यवस्थाएं थी और उनसे जितनी मौतें हुई, इन्होंने तो सिरे से सबको नकार दिया, जितने शिक्षा मित्रों की हुई, टीचर्स की हुई, इन्होंने उनको नकार दिया प्रदेश स्तर पे, और राष्ट्रीय स्तर पे तो इन्होंने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब चुनाव आयोग इन चीजों को लेके कुछ स्ट्रिक्ट नियमावली बनाएगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट जरूर देगा कि जिनके चलते हम लोग सुरक्षित तरीके से मतदान करा पाएंगे। और वैसे भी हर पार्टी की, मुझे मेरी पार्टी की तो तैयारी पूरी है, बाकी पार्टियों की भी तैयारी इसी तरीके से, हर एक दावा करेगा कि हाँ उनकी भी पार्टी की तैयारी पूरी है, तो चुनाव तो अब हो ही जाने चाहिए, क्योंकि ये जितना प्रदेश का हाल जो हो गया है वो बगैर चुनाव के ये तो नहीं सुधरना है। जिस तरीके से प्रदेश पतन की ओर गिर रहा है, हर व्यवस्था चरमराई हुई है, हर चीज में बदहाली आ चुकी है, शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर आप कोरोना को सबसे बड़ा प्रश्न बना दें तो भी स्वास्थ्य सुविधाएं ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, शमशान पे लकड़ी नहीं दे पा रहे हैं, शमशान की लकड़ी जाकर जल रही है राजभवन में, इतना भ्रष्टाचार जहां जिस सरकार में हो उस सरकार का तो निश्चित तौर पे खत्म हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जवाब लेते ऋषि जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे शिल्पी जी की बात पर? नहीं गौरव जी, देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, जो इन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग का, इनके कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे यहाँ 60 मेडिकल कॉलेज गौरव जी आपको बता दें वो तैयार हैं। ऑक्सीजन प्रतिपूर्ति जो है खराब ढांचा, पिछले 14 वर्षों में हमारी त्रासदियां सहनी इन लोगों की सरकारों ने, उसका
खामियाजा हमने भुगता। और जो आपने कहा कि तैयारियां हमारी पंचायत चुनाव में भी थी गौरव जी, देखिए एक वैश्विक महामारी थी, अभी वैश्विकी है, कोरोना वैक्सीन आई तो इन्होंने अभी वैश्विकी है, अभी वैश्विकी है निशु जी, अभी पूरे और मेडिकल कॉलेज की अभी नींव ही रखी गई है, कोई भी तैयार नहीं हुआ है, किस जनता को बहका रहे हैं आप सर, जनता से झूठ ना बोलिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितने मेडिकल कॉलेज आपके तैयार हो गए हैं या आपने उद्घाटन किया है मैडम, वो भी क्लियर हो जाएगा। आपने लगवाई वैक्सीन, आपने भाजपा की वैक्सीन कर लगवाई, आपने लगवाई कि नहीं पहले आप, अरे हमने लगवाई हो या नहीं लगवाई हो आप उसकी चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करें, आपने लगवाई ना आप बचे रहेंगे, आप बचे रहेंगे ना, आप अपनी चिंता करें, हमारे हॉस्पिटल हमारे स्वास्थ्य कर्मी, आपने तो कहा करोड़ों में लग गई है वैक्सीन, आपने कहा है ना, जनता बताएगी कि करोड़ों में वैक्सीन लगी है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा सामने, लगवा लेते हैं तब आप इसको वो करते हैं, अराजकता फैलाने में आपने नहीं, स्वास्थ्य ढांचाओं का क्या हाल आपने प्रदेश को बना रखा था ये आप सभी जानते हैं, देश को लूट कर, तो देश का हाल तो जनता देख रही है, प्रदेश का हाल तो जनता देख रही है, अभी आपके नेता खदेड़े जा रहे हैं, मंच पे थप्पड़ लग रहे हैं, जनता थप्पड़ मार रही है, बहराइच में भगा दिया गया, विधायक गाड़ी से नीचे नहीं उतर पाए, उत्तर प्रदेश उन्नाव में झापड़ मार दिया जाके एक प्रति में, बारी बारी से बोलिए, एक एक करके बोलिए, आवाज मिक्स होती है, बोलिए ऋषि जी जवाब दीजिए। गौरव जी मैं नहीं बोल रहा था, यह डिबेट की थोड़ा अनुशासन बनाए रखें, जब ये बोलती है तो मैं सुनती हूँ, महिला नेत्री है, बहुत विद्वान है, मैं इनकी बातों का सम्मान करता हूँ, महिलाओं का हमारी पार्टी वैसे भी सम्मान करती है, ये पहले बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने जो कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पहले ये अपनी भीड़ लगवा ले, माननीय अखिलेश भैया लगा दे, बाकी हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, और गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि ये वैश्विक महामारी, चलिए माना वैश्विक महामारी है, विश्व के बड़े से बड़े देश जहाँ स्वास्थ्य का ढांचा बहुत था वो कमजोर रहे, ये हमारी प्रधानमंत्री और हमारे जीवट मुख्यमंत्री की जीवटता का प्रमाण था कि हमारे उत्तर प्रदेश में हम जो है कोरोना काल में धरातल पर उतर के हम जितने ज्यादा नहीं, कोरोना काल धरातल उतरने वाली बात नहीं है ऋषि जी, यहाँ पर बात मुद्दा केवल ये है कि जब पिछली बार पंचायत चुनाव हुए थे तब भी हमारी तैयारी पूरी, तब भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, आपने देखा है आंकड़े सामने सबके, आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है, पर इस बार फिर कोरोना महामारी फैल रही है, इस बार हमारी तैयारियाँ क्या है, इसके साथ ही साथ एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि 14 से लेकर 22 तक आपको नामांकन करना है, प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, केवल दावेदारी चल रही है अलग जिलों से, कैसे इतनी कम समय में तैयारी पूरी करेंगे और कैसे जनता को भी बचाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग तो अपना कमीशन जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन है वो अपनी व्यवस्था बना के चला गया, उसने पीसी कर दी है, गाइडलाइंस बना दी है, उनके लोग आ जाएंगे, पर चुनाव निपटाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी कैसे पूरी की जाएगी जनता को कोरोना से बचाते हुए, इस बार बताइए। देखिए गौरव जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले हमारा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वह निरंतर सतत आप चल रहा है, आपने देखा अभी 15 वर्ष से 18 वर्ष में हमने कीर्तिमान स्थापित किए, 1.5 करोड़ वैक्सीन जो 2.5 महीने में लगनी चाहिए वो हम 5 दिनों में लगा रहे हैं। और दूसरी बात अब आते हैं चुनाव आयोग की बात, मैंने कहा यह पर्व है, उन्होंने तिथियां घोषित कर दी, और आपने कहा नामांकन अभी हुए नहीं है, देखिए हमारे यहाँ नामांकन वैसे भी आप जानते हैं हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ मंडल से होकर नाम आते हैं, जिला से आते हैं, प्रदेश स्तर पर प्रदेश की टीम चुनाव कमेटी बनी हुई है, वह समय आने पर हमारे यहाँ उचित कैंडिडेट और योग्य उम्मीदवार घोषित कर देंगे, और रही बात डिजिटल, हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, हम हमारा प्रचार हमारा काम ही है, हम अपने विकास के मुद्दों को लेकर अपनी जनता के बीच जाएंगे और फिर हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। क्या कहेंगे सरबी जी, देशबंधु जी की बात पर? नहीं, जो दीक्षित जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर वो जनता के लिए इतने सजग हैं तो भी बहुत बढ़िया, और उन्हीं की बात को मैं रिपीट करती हूँ कि अगर आपने जनता के लिए विकास के मुद्दे को लेके आप जाने की बात कहते हैं तो उन्नाव से लेके बहराइच तक जनता आप लोगों का ये हशर नहीं करती, आपके सबके सामने है, मीडिया में सारी चीजें आ रही हैं। बची बात मेरी पार्टी की तैयारी की बात मैं कह दूं तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक हमारे यहाँ आवेदन आ चुके हैं, अंतिम तिथि ही अक्टूबर में खत्म कर दी गई, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बैठकर उन आवेदकों के फॉर्म्स को स्क्रीन कर चुकी है, फटाफट 14 से अभी आज 8 तारीख है, 6 दिन के अंदर फाइनल करके उनको इंटरव्यू के बाद सारे हमारे कैंडिडेट
उतार दिए जाएंगे, जो कि नामांकन अपना अपना 14 से 22 के बीच में कराएंगे। पर तैयारी क्या है दीक्षित जी, तैयारी क्या है चुनाव कराने की? सत्ता में है, सरकार में है, कैसे कराएंगे? गौरव जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है। अभी कल आपने देखा, हमारे रालोद के अध्यक्ष और हमारे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे और इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और ये कह रही है आवेदन पर चुके हैं। और रही बात तैयारियों की बात, तो हमारा जो है सारा अमला तैयार है। हमारे यहाँ योग्य से योग्य अभ्यर्थी, अभी इनके यहाँ सीटों के बंटवारे पे सिर्फ फुटौल चल रही है। अभी चचा जान जो है, अरे भाई आप अपनी पार्टी की तैयारी बताइए, हमारे लिए अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिले और सीट को लेके असंतुष्ट होके वापिस चले गए। सोचिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और अपने कार्यकर्ताओं से न मिले। इनके यहाँ जो है वाद विवाद और झंझावट हमेशा रहता है। और पहले आपने भी देखा, पहले भी पांच पांच मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहे, पार्टी की तैयारी बताइए, हमारी पार्टी की चिंता में क्यों परेशान है आप? तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की घोषणा हो गई है और चुनाव होकर रहेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। पर सबसे बड़ी बात यह है, जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे, क्योंकि रैलियां हो चुकी है और साथ ही चल रहा है कोरोना का समय, और पुराने ही भया भाई जो हुआ था वो सबको पता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके परिवार में आज जानकारी में मौत ना हुई हो, मृत्यु ना हुई हो, और वो दर्द आज भी जनता के बीच में है। वही कोरोना फिर आया है, हालांकि अभी मोर्टेलिटी रेट उतना ज़्यादा नहीं है, मृत्यु दर उतनी ज़्यादा नहीं है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह मामले आ रहे हैं तो ये मामले निश्चित रूप से आदमी की जो जनता के लिए वो दिक्कत देने वाले हैं। तो क्या मानते हैं कि चुनाव के समय में अब क्या रणनीति रहेगी आज के बाद से, क्योंकि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और तमाम चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहेंगी और चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 7 चरणों चुनाव होने हैं और 7 मार्च तक चुनाव हो जाएंगे, तो कैसे मानते, कैसे जनता के बीच अब जाएंगे, क्या माध्यम रखेंगे, क्योंकि वर्चुअल तो आपको जाना पड़ेगा, कोरोना समय चल रहा है तो अब तो आप रैली कर नहीं सकते हैं और जा भी ऐसे हुजूम भी नहीं कर सकते, जनसभा भी नहीं कर सकते हैं, तो जनता के बीच जाने का क्या माध्यम बनाएंगे दीक्षित जी, पार्टी क्या रणनीति है? प्रश्न मुझसे पूछा गौरव जी? जी आपसे पूछा है जी। देखिए गौरव जी, इस प्रश्न का मैं उत्तर यही देना चाहता हूँ। आप जानते हैं हमारी आईटी टीम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हम आज नहीं हम पहले से हैं, और डिजिटाइज हमारे प्रधानमंत्री का यह जो है स्वप्न था कि हम टेक्नोलॉजी से हम युक्त कर दें, और हमारी पूरी की पूरी आईटी हमारा एक विभाग है, हमारी आईटी टीम, हमारी सोशल मीडिया। पश्चिम बंगाल में सबसे आखिरी में रैली रद्द की थी आपने। आपने किए गए कार्यों के द्वारा हम अपने धरातल पर जाएंगे, और हमें कहने की बात नहीं गौरव जी, 2014 में भी आपने देखा, 2017 में देखा, 2019 में भी देखा, और 2022 में भी आप मीडिया बंधु आएंगे और मिठाई खाएंगे हम अपने कार्यों को आईटी के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बुद्धिमान है और हमें अपना आशीर्वाद देकर 10 मार्च को पुनः देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम पुनः सरकार बनाएंगे। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। शिल्पी जी, समाजवादी पार्टी की तैयारी किस तरह से जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि अब तमाम चीज़ों पर रोक भी लग जाएगी, साथ ही से कोरोना फैल रहा है, तो इसलिए आम जनसभा और रैली भी कार्यक्रम नहीं होंगे, तो कैसे जनता के बीच अपना जो है एक माध्यम बनाएंगे? देखिए हमारी पार्टी जुलाई से लोगों के बीच में है, हमारे बहुत सारे नेता अलग अलग फ्रंटल के, 18 फ्रंटल हैं, अब तो 19 हैं समाजवादी पार्टी में, 19 फ्रंटल के नेता अपनी अपनी यात्राएं लेकर बहुत पहले से जनता के बीच में है। यही कारण है जो विजय रथ यात्रा निकली थी तो जनता का जो रेला निकला था वो सिर्फ वही था जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे फ्रंटल के अध्यक्षों ने जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी और जनता उनसे सहमत हुई। और विजय रथ यात्रा लेकर जब अखिलेश जी जनता के बीच में आए तो जो अपार जन समूह आया सबने देखा है, दिन रात की परवाह किए बगैर जनता उनके इंतजार में खड़ी रही, सर्दी की परवाह किए बगैर कोहरे में खड़ी रही है, जनता खुले आसमान के नीचे। तो हमारी तैयारी पूरी है, बची बात संगठन, संगठन बूथ स्तर पर काम कर रहा है, मुस्तैद है, और अब हम उसी जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग के द्वारा दी गई हैं, 5-5 की टोली में हम निकलेंगे, अपने अपने बूथ पर काम करेंगे, संपर्क करेंगे, और हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। फाइनल कमेंट दीजिए, क्या मानते हैं चुनाव की तैयारी आपकी पूरी है? इसके साथ ही साथ ये बताइए कि सोशल मीडिया आपने कह दिया है, मीडिया भी सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में और कोरोना के बारे में, किस तरह जनता को बचाना, क्योंकि जनता को संदेश देना बहुत जरूरी है कि आपको चुनाव
में जाना है, वहां वोट भी देना है, वोट पिटीशन भी बढ़ाना है, साथ ही साथ अपनी जान को भी बचाना है, क्योंकि अगर लोकतंत्र का पर्व भी जरूरी है तो कहीं ना कहीं जनता की जान भी जरूरी है, कि जनता भी जनार्दन होती है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश जी? देखिए गौरव जी, आपका चैनल एक बहुत ही विश्वसनीय चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से आपके प्रिय दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने परिवार को देखकर ज्यादा जहाँ भीड़ भाड़ हो वहां न जाए और मास्क जरूर लगाएं। और सभी देशवासियों से मेरी अपील है, जिसने भी वैक्सीन नहीं लगाई है, हमारे तमाम केंद्र खुले हुए हैं, सबसे पहले वो अपने वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना कोविड प्रोटोकॉल का कारण करते हुए अपने निकटतम बूथ पे जाएं। दिव्यांग जनों, अशक्त जनों के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की है और हम अपने किए गए विकास के कार्यों के द्वारा ही जनता के बीच के द्वारा और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। राज्य सरकार की तैयारी पूरी है जी, जी। राज्य सरकार की तैयारी पूरी है चुनाव के लेके, पूरी तैयारी है ना आपकी सरकार की तैयारी पूरी है चुनाव को लेके, इस पे बोल दीजिए, सरकार की तैयारी पूरी है चुनाव को लेके जी, जी सरकार की तैयारी पूरी है, हम आशान्वित हैं, 10 लेते हैं। को हम हाँ 10 तारीख को हम विजय श्री के साथ पुनः मिलेंगे और मैं जिम्मेदारी लेते, लेते हैं कोरोना में सुरक्षित चुनाव होगा। जी जी, हमारी सरकार इसके लिए पूर्ण मुस्तैदी से तैयार है और सुरक्षित, हम हमारे साथ जनता का जीवन मूल्यवान है और सुरक्षा, सबकी सुरक्षा के साथ और निर्विघ्न होके हम चुनाव संपन्न कराएंगे। आपके आखिरी कमेंट रहेगा आपका, रहेगा चुनावी संग्राम? देखिए हम बिल्कुल चाहेंगे कि जनता सुरक्षित रहे, जनता के सुरक्षित रहने से ही देश और समाज सुरक्षित रहेगा। तो सभी से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। सरकार बदल रही है, सरकार बिल्कुल बदलेगी, लेकिन जनता का सुरक्षित रहना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम कर्तव्य है। हमारा भी यही निवेदन है आपसे कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, अनावश्यक जमावड़ा ना करें। हम 10 मार्च को आ रहे हैं आपकी सेवा। बीजेपी की तैयारी पे क्या कहेंगी दीति जी? बीजेपी की तैयारी तो हमने पिछली दो लहरों में देख ली, जो हाहाकार इन्होंने मचाया था उसका ही जवाब जनता इन्हें देगी। जो दो बार इन लोगों ने इतना हाहाकार मचवाया है कि लाशें गंगा में, सारी की आवाज कट गई है, सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की थी और लोगों ने देखा है, तो लोग उसका जवाब बिल्कुल देंगे। ये जवाब का ही समय है, ये लोगों से जवाब, लोग इनसे जवाब लेंगे भी और लोग इनको जवाब देंगे भी। जिनके परिजन खोए हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिले, जिनको शमशान में अपनी अर्थियों को ले जाकर लाइन में लगना पड़ा और उसके पास शमशान में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, जिनको गंगा में वो लाशें यूं ही प्रवाहित कर देनी पड़ी या गंगा के किनारे उनको रेत में छोड़ आना पड़ा, वो लोग क्या भूल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या अव्यवस्थाएं फैलाई थी? वो बेरोजगार युवक जिन्होंने गोमती में कूद कूद करके आत्महत्याएं करी हैं, उनके परिवार वाले भूल जाएंगे? वो बच्चियां जिनके बलात्कार हुए, जिनके घरों घर वालों तक को अंत्येष्टि करने नहीं दी गई, आधी रात में मिट्टी का तेल डाल करके जिनकी अर्थियां जला दी गई, वो लोग भूल जाएंगे कि ये सरकार है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते ये सारी अव्यवस्थाएं हुई? वो लोग उन्नाव के भूल जाएंगे जहां 6 महीने में 850 बलात्कार हो गए थे, जहां की बच्चियां सुरक्षित नहीं है लखनऊ से मात्र 60 किलोमीटर दूर? वो भूल जाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था? वो मनीष गुप्ता की पत्नी भूल जाएगी? वो खुशी दुबे का परिवार भूल जाएगा जो आज तक निर्दोष जेल के अंदर निरुद्ध है? कितने लोग भूलेंगे इनके कुकर्मों को? हर जनता, और समय आ गया है कि इनको जवाब मिलेगा। चलिए चलिए, तो आज की वीकेंड चर्चा में इतना ही, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही, देखी हमने कि दोनों ही पार्टियों ने जो इलेक्शन कमीशन का जो ऐलान हुआ उसकी तारीफ की है, स्वागत किया है और साथ ही साथ कहा है कि प्रदेश की जनता को सतर्क रहना है और बिल्कुल कोविड नियमों का पालन करके हमको वोट डालने जाना है और एक नई सरकार बनाना है जो लोगों के लिए काम कर सके। पर साथ ही साथ अब जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम जनता की भी है कि उनको इस लोकतंत्र के पर्व में अपने आप को बचाना कैसे है, क्योंकि चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो नुकसान होता है, जो जानमानी की हानि होती है, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतती आम जनता, उसका खामियाजा राजनीतिक पार्टियां नहीं भुगतती हैं। इसलिए लोकतंत्र पर्व में जाएं, उत्साह से जाएं,
वोट करें और साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखें। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।